अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। हवन कुंड तोड़ने में बाबा मनोहर नाथ मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक रमन गिरी की गिरफ्तारी का विरोध करने पहुंचे करीब 100 साधु संतों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लेने की खबर लगते ही अलग अलग जगह के महामंडलेश्वर मनोहर नाथ मंदिर पहुंचे और नीलिमानंद महाराज को दिलासा देते हुए कहा कि वह मंदिर को बचा कर रहेंगे, साथ ही बहुत जल्द संरक्षक रमन गिरी को भी रिहाई मिलेगी। सुनिए इस दौरान काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सुमन महाराज ने क्या जानकारी दी। काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर गुरु मां सुमन जी महाराज, मैंने जब यहां के बारे में सुना कि मनोहर नाथ मंदिर में इस तरीके से उपद्रवियों ने पत्थर चलाए या कुंड को तोड़ा, मेरे तक खबर गई। मैं दिल्ली से एक बार बीच में पहले भी आ चुकी हूँ और मैं पहले भी इस तरह से इंटरव्यू दे चुकी हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक संत के साथ, कोई नया मंदिर नहीं है, किसी जगह को कब्जा करके नहीं बनाया गया और ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ आकर ऐसे उपद्रवी पत्थर मारेंगे, संतों पर हाथ उठाएंगे या कुंड को तोड़ेंगे, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, खासकर हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे हिंदुओं के लिए। और पत्थर मारने वाले भी कोई बाहर के नहीं हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वो ये कर्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आज फिर मैं इसी वजह से आई हूँ कि कल यहाँ बहुत से साधु संत बुलाए गए कि संत समागम होगा, यज्ञ होगा, और आज फिर प्रशासन ने उनको डंडे के जोर पर और उनको बस भूखों को भोजन भी नहीं लेने दिया, भोजन भी तैयार यहीं पर पड़ा है और उनको उठाकर बस में भर कर उनको वापस भेज दिया गया। भू माफिया वालों की इतनी ताकत हो गई कि एक धर्म ध्वजा को झुकाने के लिए तैयार बैठे हैं, मंदिर की नींव को उखाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक लेडीज संत हैं ये, इनके साथ ऐसा अगर होगा कौन बर्दाश्त करेगा? संत तो पहले से भी सुरक्षित नहीं है और आज ये हालात देख के तो हमें लगता है संत सुरक्षित ही नहीं रहे। अच्छा, अब आपकी आगे क्या रणनीति होगी? हमारी यही रणनीति है कि हमारी जो मंदिर की जगह है उसको छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाएगा तो यहाँ पे साधु संत ही जमावड़ा लगाएंगे और साधु संत ही खड़े होंगे। विश्व हिंदू जागरण की अभियंता दुर्गा डुंगल ने इस दौरान यह कहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा डुंगल है। अच्छा, क्या आपके पास दायित्व है? अंदर आ जाओ। मैं विश्व हिंदू जागरण अभियान के एक अभियंता हूँ। ये अभियंता इसलिए है कि विश्व का जितना भी हिंदू है या हमारे नेपाल और भारत जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू लोग बैठे हैं, उन लोग को एक जागरूक करने का एक संस्था है विश्व हिंदू जागरण अभियान, उसका मैं प्रमुख अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज मेरठ आया, किस मामले को लेकर आया आज मेरठ? ऐसा है, हम पावागढ़ जाते हैं, पावागढ़ में भी गए हैं और गाजियाबाद में भी गए हैं, हर जगह अपना प्रोग्राम मतलब सनातन एकता के लिए कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि मेरठ में भी ये बाबा मनोहर नाथ जी का आश्रम जो है, आश्रम आज धर्म के लिए संकट में है। जैसे कि हमें पता है साधु संत और सब किसी को हमारा संरक्षण करना चाहिए, तो जैसे नीलिमानंद जी महाराज जी जो हैं उनको इस गाड़ी में बिठाया गया है, ना कि ज़बरदस्ती वो आके बैठी हुई हैं, और अनेक सा जो मुकदमा लगा उसमें भी उन्होंने पार करते जीतते मतलब अपना परफॉर्मेंस करके, अपना गलती ना होते हुए, तो कोई किसी का कानून भी तो गलत नहीं ठहराता है ना, तो कानूनी रूप से वो लड़के आ रही हैं और हर जगह जीतते आ रही हैं, फिर भी आज यहाँ कभी यज्ञ कुंड तोड़ा जाता है, एक धर्म के नाम में यज्ञ किया जाता है, जो भी साधु संत जहाँ भी रहता है उनका एक माध्यम होता है यज्ञ करना, धर्म करना, पूजा करना, ये पूजा पाठ में रोक लगाने के लिए कोई भी प्रशासन आ नहीं सकेगा, क्योंकि ये धर्म के मामला है। आज योगी जी और मोदी जी ये दोनों धर्म के प्रतीक है, और योगी जी और मोदी जी के रहते हुए इस देश में अगर कोई भी साधु संत के ऊपर अत्याचार होगा, ये सही मान नहीं होगा, इसलिए नहीं सही होगा कि आज योगी जी और मोदी जी को सीधा प्रहार मानती हूँ मैं, प्रशासन को, प्रशासन ने आज जिस तरीका से साधु संत को बाहर निकाल दिया गया, पैसा के लिए पैसा दे के लिए आए नहीं,
साधु संत स्वयं स्वतः संचालित हैं, उन लोगों किसी को पैसा के लालच नहीं है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।